तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में आज पूछे गए प्रश्न, क्योंकि मैंने बोला था कि प्लीज़ स्टूडेंट्स जो भी जिनका भी एग्जाम होगा प्लीज़ हमें क्वेश्चन सेंड करिएगा। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ जिससे आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो या एक दो दिन में हो तो आपको पूरी तरह से हेल्प मिले और आइडिया लग जाए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जिस एक दो दिन पहले वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही दो तीन दिन के बाद वाले एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और क्वेश्चन को समझ लेना और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज के इस क्वेश्चन यानी कि आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर भी मैं वीडियो यानी कि वीडियो तो अपलोड कर ही देता हूँ, साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वेबसाइट को एक बार विजिट करिएगा, वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया, तो जल्दी से मैंने वीडियो बना के आप तक शेयर करने की कोशिश की है। तो नंबर एक है, आप एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि यह एग्जीक्यूट हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिन स्टूडेंट को मालूम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप जो भी आपको लगे कि हाँ ये नोट डाउन करने वाला है तो आप कॉपी पेन आप अपने पास रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी लग सकते हैं, ठीक है। नंबर एक है नेचुरल लैंग्वेज, बी नंबर है लो लेवल लैंग्वेज, और सी नंबर है हाई लेवल लैंग्वेज, डी नंबर है नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेसक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। वहाँ पर आपको एच एल 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 देखने को मिल सकता है, तो आप समझ जाइएगा एच एल एल का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार क्या होता है। तो नंबर एक है 5, बी नंबर है 16, और सी नंबर है 8, और डी नंबर है 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल का जो नंबर प्रणाली होती है वो होती है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नंबर एक है हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लैंग्वेज, बी नंबर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंकिंग, और सी नंबर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी नंबर है हाइपर थीम मार्कअप लिंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक ही जैसे रहते हैं फुल फॉर्म, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेट क्या है। तो नंबर एक वेबसाइट का समूह है, बी नंबर सॉफ्टवेयर है, सी नंबर नेटवर्क का समूह है, डी नंबर वायर। तो इंटरनेट आप लोगों का क्या होता है, क्या होता है, नेटवर्क का समूह होता है, छोटे छोटे नेटवर्क को एक पूरा समूह होता है जो कि एक इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं। नंबर एक है टॉप पेज, बी नंबर नॉर्मल पेज, सी नंबर होम पेज, डी नंबर मेन पेज। ये क्वेश्चन कंफ्यूज क्रिएट कर रहा होगा कि हाँ जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा होम पेज, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के प्रथम पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। आपने कोई वेबसाइट ओपन किया होगा तो सबसे पहले आपको जो मेनू दिखता है वो होता है होम का, फिर आपको मिल जाएगा टेक्नोलॉजी, अबाउट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। नंबर एक क्लाइंट सर्वर, बी नंबर कंप्यूटर सर्वर, सी नंबर चैट सर्वर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, चैट सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन व्यावसायिक से संबंधित है। व्यावसायिक, नंबर एक .org, बी नंबर .in, सी नंबर .com, और डी नंबर .edu। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर .com। जो व्यावसायिक से रिलेटेड होते हैं वो .com उनका डोमेन नेम होता है। ऐसे कोई भी वेबसाइट होती है www, ठीक है, www सरकारी रिजल्ट
com आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो होती है ना व्यावसायिक होती हैं, तो कॉम का फुल नेम होता है कॉमर्शियल, और ORG का फुल नेम होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इनका मतलब होता है इंडिया, और EDU का मतलब होता है एजुकेशन, कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, ठीक है। बहुत सारे डोमेन नेम्स होते हैं तो उनका फुल नेम भी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो शायद आप लोगों को मालूम हो गया होगा, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर हमें किस प्रकार की सुविधा देता है? ए नंबर है सर्वर, बी नंबर है वेबसाइट, सी नंबर है वेब ब्राउजिंग, और डी नंबर है नन। तो नेटस्केप नेविगेटर हमें प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजिंग की सर्विस, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एक प्रकार का ये तो वो है ही, इसलिए ये वेब ब्राउजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल पे इंटरनेट, और बी नंबर है यूनिकीपेड इंटरचेंज, सी नंबर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डी नंबर यूजुअल यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। इस क्वेश्चन का मैंने कई बार आप लोगों को आंसर बताया, क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? अब चीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे आउट ऑफ कंट्री यानी कि जैसे कि इंडिया, अमेरिका और चीन, ठीक है। तो चीन में कौन सा सर्च इंजन यूज होता है? जैसे अपने यहाँ गूगल, ठीक है, यूज होता है, उसी तरह चीन में कौन सा यूज होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, बैडू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, आप ये कॉमन भी क्वेश्चन है, आपको याद हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूर्ण रूप होता है? नंबर एक डोमेन नेम सर्वर, बी नंबर डिजिटल नेटवर्क सर्विस, सी नंबर डोमेन नेम सिस्टम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, फुल नेम होता है डोमेन नेम सिस्टम, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट सॉरी पेटीएम का डेवलपमेंट किसने किया? पेमेंट पेटीएम सॉरी पेटीएम, आई होप आप सभी यूज ही करते होंगे पेटीएम, ठीक है। तो उसको किसने डेवलप किया था? नंबर एक विजय चंद्रा वर्मा, बी नंबर है बिमल चंद्रा शर्मा, सी नंबर विजय शेखर शर्मा, डी नंबर में से कोई नहीं। तो जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम है सी विजय शंकर शर्मा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMID नंबर कितने डिजिट का होता है? 17, 14, 16, 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है 7 नंबर, यानी कि डी नंबर 7 हो जाता है, MI कोड आप लोगों का 7 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट होता है? नंबर एक मैन, बी नंबर वैन, सी नंबर लैन, डी नंबर नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम ही बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लैन, ठीक है। इथरनेट आप लोगों का एक लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? नंबर एक है डबल नेटवर्क, बी नंबर लोकल एरिया नेटवर्क, सी नंबर नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन, डी नंबर सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, नेटवर्कों का या नेटवर्क का एक विशाल कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेट के लिए आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए? ए नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर UPS, सी नंबर लाइट केबल से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट में ISP बोला जाता है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए ISP, तो आप समझ जाइएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से http://student.nalet.do.in प्रोटोकॉल कौन सा है? यानी कि इस वेबसाइट में जो आपको वेबसाइट दिख रही है नीलिट की, ठीक है, इसमें प्रोटोकॉल कौन है? पॉइंट आपको लगे है ना, सब लगे। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है, वो क्या होता है आप लोगों को मालूम नहीं है? चलिए राइट आंसर है
HTTP हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S अगर लगा है तो आप समझ जाइए कि सिक्योर मतलब हो गया, ठीक है। सिक्योर S का मतलब हो जाता है, जैसे HTTPS लिखा है ना, तो S का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, या स्टार्टिंग में भी सिक्योर लग जाता है। तो इस राइट आंसर बी नंबर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? नंबर एक नेटवर्क इंटर, बी नंबर है इंटरनल नेटवर्क, सी नंबर इंटरनेशनल नेटवर्क, डी नंबर नन। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है, तो शायद इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा, नहीं मालूम है तो। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट का फुल नेम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में पहले वाले भाग को किस, सॉरी ईमेल एड्रेस में पहले वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? नंबर एक @, बी नंबर .com, सी नंबर पासवर्ड, डी नंबर यूजर आईडी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, जिन स्टूडेंट को मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला वाला भाग आपका क्या कहलाता है? यूजर आईडी, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यूजर आईडी बोलते हैं पहले वाले भाग को। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, इतने सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे, तो जल्दी जल्दी मैंने इतने ही क्वेश्चन उसमें से लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट मुझे लगे। ये मुझे लगा कि ये उचित है आप लोगों को क्वेश्चन बताना, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और आपका एग्जाम किसी नेक्स्ट डे है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं डेली डेली जो भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन भेजेंगे वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।